Hello, my dear all. I am here. Okay? And in this video, I will talk about a poem, The Road Not Taken. This is from class 9 English. Hindi mein bataunga, don't worry, because I got some messages from students said English, Hindi, dono bataiye, to usme jayate samajh mein aati hai. Okay? To aap English, Hindi, dono mein jaan jaoge. Right? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द पोएम नेम द रोड नोट टेकन. इसकी वर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर ले, इस सेंटेंस को थोड़ा सा जान ले तो बहुत ही अच्छा होगा. द रोड नोट टेकन. रोड हमें सच में कहीं ले नहीं जाती है. ओके हमें जाना पड़ता है या हम खुद जाते हैं और हम उसे खुद सेलेक्ट करते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि वह सही रास्ता था या गलत था. My dear, it is very, very interesting poem and poem written by Robert Frost. Okay? And Robert Frost ने जो कुछ ही बताया इस poem के थ्रू बहुत interesting है. Actually, my dear all, I am going through this video in mind map. बहुत ही short form में आप इसमें जानो कि poem में क्या बताया गया है. First of all, you have to know about theme. मेकिंग राइट चॉइस इन लाइफ. जब कभी भी आप अपने लाइफ में सही रास्ते को, सही पसंद को सिलेक्ट कर लेते हो तो आप ये कहते हो कि आपने जो कुछ भी किया वो सही किया. और यदि आप कुछ करते हो बिना सोचे समझे करते हो, बिना जाने हुए करते हो और इसकी रिजल्ट यदि अच्छी नहीं हो पाती है तो आप ये कहते हो कि जो आपने किया वो कहीं ना कहीं गलत किया. ओके नेम इज़ पोएम नेम इज द रोड नोट टेकन. पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड थीम इज मेकिंग राइट चॉइसेस इन योर लाइफ. ओके इन समराइज पे यू हैव टू नो द पोएट ऑफ दिस पोएम स्टैंड्स एट द फॉर्क ऑफ द रोड वेयर द पाथ डाइवर्जेस इन द येलो वुड्स. यानी जहाँ पर रास्ते दो थे और दोनों रास्ते में से किसी एक पर ही चलना था. एक साफ सुथरा था, एक ऐसा था ग्रासी था जिस पर लोग कम चला करता था. ही लुक्स डाउन बोथ पाथ्स. इट्स वेरी सिंपल. जब कभी भी आपके पास ऑप्शंस आ जाती है तो आप ये सोचने लगते हो कि यह अच्छा होगा कि यह अच्छा होगा बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन. ओके सो ही लुक्स डाउन बोथ पाथ्स वंडरिंग विच वन टू टेक एंड sorry that he cannot take both to enjoy both experiences. ये सच है कि जब कभी भी आपके पास ऑप्शंस आ जाती है तो यह आप नहीं कर सकते हो कि दोनों के दोनों को सिलेक्ट कर लोगे. यस अभी भी आप MCQ में फॉर्म एग्जाम दोगे. ओके लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि आप एक न करके चार को सिलेक्ट करोगे बिकॉज whenever you have to select any one then you can select any one only, not more than one. आपको जब कभी भी एक सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आप एक ही सेलेक्ट कर पाओगे ना कि एक से ज़्यादा कर पाओगे और आपके पास दोनों का एंजॉय करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं रहेगी. ओके तो पोएट ने भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इस पोएम के थ्रू यही बताया कि जब कभी भी उसे दो रास्ते में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है, एक रास्ते को सिलेक्ट करना पड़ता है तो वह सोच समझ के करना चाहिए और वह एक को ही सिलेक्ट कर सकता है. और हम लोगों के लिए जो मैसेज दिया ये दिया पोएट ने कि आपके लाइफ में भी जब कभी भी एक सिलेक्शन की बातें आ जाती है और कभी आपको सिलेक्ट करना पड़े तो आप करने से पहले, सिलेक्ट करने के पहले आप अपने आप को सोच लीजिए कि आप जो करने जा रहे हो वो सही है या नहीं. क्योंकि बाद में जब आप सोचोगे नहीं 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 ये नहीं वो पहले वाली ठीक था, फिर बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं जो मैंने छोड़ दिया वह सही था, तो ये कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा और इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी. ओके तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से बताया दैट यू कैन नॉट टेक बोथ टू एंजॉय बोथ एक्सपीरियंसेस. यानी आप बिल्कुल दोनों के दोनों को एंजॉय नहीं कर सकते हो. थैंक यू सो मच. होप आपको इस माइंड मैप के थ्रू शॉर्ट में समझ में जरूर आया होगा. ओके